यहाँ पे कंडाली भी है भाई, बच के भाई इतने बड़े बड़े पत्थर। हट जाओ हट जाओ हट जाओ जग्गी भाई, हटो ना, फ्लो में हो। तो ऐसे भी बज रहे शाम के 5, बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। तो अभी मैं वीडियो अपलोड ही कर रहा हूँ, तो अभी मेरे दोस्त का कॉल आया कि चलो भंडारी भाई राइड पे, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और आज का हमारा प्लान है कि आज भी हम ऑफ रोड करने वाले हैं, मतलब वैसे बेसिकली हम प्लेन रोड में साइकिलिंग करेंगे, बट एट द एंड हम लोग थोड़ा ऑफ रोड घुसेंगे एंड थोड़ा आते हुए डाउन हिल भी जाएगी। तो देखते हैं बाकी मौसम कैसा रहता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं भीगते हुए आ रहा हूँ, तो लेट्स गो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है डेली ब्लॉगिंग का डे 10। अरे यार जल्दी जल्दी में मैं एक चीज़ भूल गया, ग्लव्स। मैं कह रहा कुछ तो मिसिंग लग रहा है, फिर देखा यार हाथ में ग्लव्स नहीं है। चलो कोई नहीं, वैसे ग्लव्स गंदे हो रखे थे मेरे, दोनों ग्लव्स गंदे हो रखे थे। अरे बाप रे, अरे 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 यार मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ना, वो फिर लेट हो गया चक्कर में। जग्गी भाई ऐसे भी नहीं कि वहाँ खड़े हो जाओ, कचरे के ढेर के आगे खड़े होकर वेट कर रहे। अरे यहाँ खड़े की और क्या, तो मरने वाली बदबू है। छी ये देखो भयंकर, एक बारिश आती है और ये सारा मलबा ऊपर से नीचे आ जाता है। एक बारिश है पूरा पहाड़ का मलबा रोड पे, हमेशा का यही सीन है यहाँ पे। तो गाइस अभी हमें माल देता में, और कल मैं गया था वो मेरे ऑपोजिट वाला पहाड़ है द्वारा का, आज मैं आया हूँ ये धनौल्टी वाली जो रोड है। एंड भाई क्या ग्रीन हो रखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। देखो अभी हम जाएंगे यहाँ से नीचे एंड फिर हम जाएंगे यहाँ से उधर उधर, ये वाली रोड जा रही है धनौल्टी के लिए। एंड भाई ये नीचे देखो भयंकर, मतलब पानी क्या जबरदस्त जम गया और एकदम हरे हो रखे खेत। कीचड़ उछल गया रे, शॉर्टकट चलेंगे शॉर्टकट, देखिए सीधा, नाइस। ओ भैंस किया मुँह पे कीचड़े कीचड़ चल गया, एक्टिव रेस बन गई। अभी तक साफ सुथरे आ रहे थे, पूरे गंदे हो गए एक बारी में। यहाँ से नीचे नीचे मुड़ जाओ, आ जाओ भाई पहले प्रस्थान करो। ये पुल कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है पुल, ओल्ड एज होम हो गया, एकदम पुराना बुढ़ा हो गया। ये देखो गाइस एक दो बारिश से क्या भयंकर उफान हो गया, और अब हम जाएंगे इस पुराने से पुल से। अब होती हमारे यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट, और अभी हमने यहाँ पे चाय पी ली है, और सिर्फ मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनहिल का वीडियो बनाना है, और हमारे जो सहपाठी है ये लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइस मैं अपनी साइकिल ऊपर से लेके जा रहा हूँ, एक तो मुझे डाउनहिल का वीडियो बनाना है, दूसरा मेरी साइकिल इनकी इनमें से सबसे छोटी साइकिल है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे ऊपर लाने में। मेरी बड़ी होती तो मैं भी साइकिल के ऊपर नहीं आता, और यहाँ से कभी मैंने डाउनहिल का वीडियो बनाया भी नहीं है, मतलब नीचे जाने का कभी साइकिल में से वीडियो बनाया भी नहीं है। और ये देखो आगे का मस्त रास्ता है, और देखो भाई यहाँ से व्यू देखो यार, हाय पहाड़ आगे पूरा, और यहाँ पे आगे जाके ना ऊपर एक लेक भी है। ऊपर ना लैंडस्लाइड हुई थी, और उस लैंडस्लाइड की वजह से ना वहाँ पे पानी जम जाता है, तो अब एक लेक बन जाती है। बट अभी वहाँ जाने का मेरा मूड नहीं है, बस ऐसे आगे झरने तक जाएंगे फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। मैंने सीट काफ़ी नीचे कर दी थी क्योंकि काफ़ी स्टीप डाउन हिल थी। ओ बड़े बड़े पत्थर हैं, अरे बाप रे। मजा आ गया यार, मजा आ गया आज तो। ओ जंगल ट्रेल, ये देखो जग्गी भाई अगर इसमें 4K एकदम भयंकर ब्लर करूँ क्या भयंकर लगेगा ना। और भाई इतने बड़े बड़े पत्थर, हट जाओ हट जाओ जग्गी भाई, हटो ना, फ्लो में हो। ओ भाई जबरदस्त, भाई कंडाली से बच के रहो। ये देखो भाई इस बिच्छू का, यहाँ पंगे मत लेके,
तो भाई मजा आ गया यार यहाँ पे साइकिल चला के। और भाई लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, पहले यहाँ पे आया था ना तो इतना पानी नहीं था देखो। और ये जो पुल है ये भी पहले पूरा कच्चा था, पहले ना पक्का बना दिया क्योंकि यहाँ से बहुत टूरिस्ट जाते रहते हैं ना और गांव वाले भी यहाँ पे काम से जाते हैं। तो बेसिकली ना पहले हमारा क्या प्लान था कि यहाँ पे मेरे पास जो पोर्टेबल गैस और सिलेंडर है वो यहाँ पे लेके आएंगे और मैगी या फिर चाय वगैरह बनाएंगे। मतलब मैगी तो मैं खाता नहीं हूँ, मैं चाय बना के पीता हूँ और ये लोग मैगी। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी, मैंने मना कर दिया, छोड़ो यार कहाँ बैग कैरी करूँगा फिर उसमें पोर्टेबल गैस डालूंगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं आज भारी चाय पी लेंगे, ये लोग मेरे को छोड़ के आगे चले गए। देखो भाई क्या भयंकर झरना हो रखा है बारिश में और फ्लो बहुत तगड़ा हो रखा है। हालांकि कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नीचे जाना नहीं चाहिए ऐसे मौसम में। ये देखो भाई यहाँ से आ रहा है इतना खतरनाक। तो गाइस अभी मैं देखो एक बढ़िया सी फोटो खींचने के लिए कलाकारी कर रहा हूँ। पासला इसमें दिल बना रहा हूँ। ये देखो मित्रों, ये देखो दोस्तों कैसी लगी फोटो। कैप्चर हो गया। चलो जी यहाँ पे हम ज्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी नीचे भी जाना है, अब आएगा मजा डाउनहिल करने में। ओह ये अब आएगा मजा। ये हुई ना बात। यहाँ पे कंडाली भी है भाई, बच के बिच्छू घास। ओ भाई तो जी आ गए पूरा ऊपर। अब यहाँ से लेके पूरा लास्ट का जो आप घर देख रहे हो ना वहाँ तक डाउन हिल होने वाली है, जिसके लिए मैं साइकिल लेके आया था। क्रेजी क्रेजी। अरे भाई स्पीड। ओ भाई भाई कैसा लगा भाई? मेरे को तो कसम से बहुत मजा आया क्योंकि स्पीड बहुत काफी लगना थी एंड ब्रेकिंग वगैरह टायर एक जगह भी स्किड नहीं हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा भाई, मजा आ गया। बारिश की वजह से क्या हुआ ना, मिट्टी क्या आ गई, मिट्टी ने पकड़ बना ली है तो उसमें टायर मेरा कम फिसल रहा है और ब्रेकिंग भी ठीक ठाक तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ब्रेक हाफ हाफ प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है कि टायर स्लिप भी नहीं किया। चलो जी इन्होंने भी अपनी साइकिल यहाँ पे ले ली है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कभी भी इस वाटरफॉल में आओ तो भाई अपनी साइकिल अंदर कैफे में रख लो और हो सके तो पहले चाय पी लो वहाँ पे, उसके बाद रख लो ताकि वो एक्स्ट्रा केयर करे आपकी साइकिल की। होता है क्या कि लोग यहाँ से वाटरफॉल में जाते हैं और साइकिलें बाहर पार्क कर देते हैं। अबे बेवकूफ हो क्या यार, कितना टाइम लगता है? अगर तुम लॉक भी लगा दोगे तो कंधे में ले जाने में कितना टाइम लगता है? एक गाड़ी में साइकिल डाल के चोरी करने में कितना टाइम लगता है? और ऐसे हुई भी है, साइकिल की सुरक्षा खुद कीजिए। कैफे में 10 रुपये की चाय पियो और उनको अपनी साइकिल अंदर बोल दो कि भैया हमारी साइकिल देख लेना। स्पीड बेबी। तो जी यहीं पे होती है हमारी राइड खत्म और मज़ा आया आज काफ़ी डाउनहिल करने में। आई होप आप लोगों को भी डाउनहिल देखने में मज़ा आया होगा। अभी तो बैठे हैं हम अपने सर्विस सेंटर में और रात हो चुकी है तो सोच रहा हूँ आज का वीडियो यहीं सेंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी के साथ ही वीडियो में करता हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल क्या पता नया वीडियो आ जाए। तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भंडारी जी। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए फन और नए एडवेंचर्स के साथ। बाय।